साथियों, अब हम नुब्रा वैली में पहुंच गए हैं और नुब्रा वैली में जो है बुद्धा की स्टैचू है वहां पर हम लोग जा रहे हैं और आपको भी उसके दर्शन कराएंगे। 106 फीट की ऊंचाई पर है ये बुद्धा की मूर्ति। 106 फीट की मूर्ति है उनकी ऊंचाई है। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं, अभी दर्शन आपको कराएंगे ऊपर बुद्धा स्तूपा पर। आप देखिए पूरा स्टैचू दिखा रहे हैं दोस्तों। ये नुब्रा वैली है, पूरा देखिए पूरा। और ये बुद्धा स्टैचू, अभी आपको पूरा दर्शन कराएंगे बुद्धा स्टैचू के। पूरी स्टैचू बुद्धा की, और ठीक इसके सामने देखिए ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी इसके पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और ये पूरा टेंपल आपको दिखाते हैं, बुद्धा टेंपल। अभी बने रहिए हमारे साथ, ये देखिए। पूरा टेंपल पर ये नुब्रा वैली, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़। हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप भी यहाँ आइएगा ज़रूर और यहाँ आपको बड़ा अच्छा अनुभव मिलेगा। ये देखिए पीछे पहाड़। दोस्तों अब हम नुब्रा वैली से बाहर निकल रहे हैं और हमारा अगला स्टेज जो है वो टंग से होगा। टंग से भी दिखाएंगे हम आपको, ये एक नया डेस्टिनेशन है। और टंग से के बाद फिर कल हम लोग जो है पेंगोंग झील जाएंगे। देखिए ये कितनी बेहतरीन स्थान है, ये बुद्धिस्ट का जो टेंपल है जहाँ आपको लेके गए थे हम अभी, और बहुत बेहतरीन जगह, बहुत ही सुंदर जगह। और ये आपको दिख रहे होंगे उधर बुद्धिस्ट लोग, कुछ लोग खड़े हैं। तो चलते हैं, हमारी गाड़ी तैयार है और जल्दी आपको एक नए स्थान पर टंग से वहाँ का दिखाएंगे। कैंसर के लिए हम लोग निकल चुके हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग नुब्रा वैली से बाहर निकलते हुए एक नए स्थान की तरफ टंग से पहुंचकर आपको दिखाएंगे वहाँ का स्थान। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये पेंगोंग झील के रास्ते में एक नदी पड़ती है जो कि अभी इस समय बिल्कुल सूखी हुई है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में देखिए ये रेत किस तरीके से, ये पानी की वजह से ये जगह बन गई है, एक गड्ढा सा बन गया है जहाँ रेत ही रेत है काफ़ी पत्थर। और ये बड़ा सुंदर लग रहा है रेती की जगह में और इस तरीके से पहाड़ों के बीच में एक स्थान है। हमने सोचा कि हमें बड़ा अच्छा लगा तो हमने सोचा कि आपको इसको दिखा दिया जाए। लेकिन साथियों आपको एक बेहतरीन हिरन दिखाएं, बड़ी बेहतरीन चीज़ मिली देखने को, हिरन। ये देखिए ये पहाड़ी हिरन,
कितने सारी संख्या में हैं। हमें रास्ते में दिख गए तो हमने सोचा आपको भी दिखाया जाए पहाड़ी हिरण। और ये देखिए बहती हुई नदी, कल कल करती हुई नदी। बड़े खतरनाक रास्ते हैं पेंगोंग झील के। देखिए किस तरीके से हम लोग लगातार चलते हुए बड़े बड़े पत्थरों के और पहाड़ों के बीच से ये रोड चलता हुआ आराम से धीरे धीरे। मीना लगा हुआ है, ये कह रहा होगा। ये देखिए किस तरीके का उस रास्ता है, दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच में। देखिए धीरे हम बढ़ते हुए, देखिए किस तरीके से आपको रास्ते दिखा रहे हैं। ये बीच में कैंप लगा रखा है किसी ने, तो बंद कर रखा है। कैंप लगा रखा है, ले 120 किलोमीटर ले जा रहे हैं क्या? वही तो समझ नहीं आ रहा, ले लिखा हुआ है, दुर्गुप लिखा हुआ है। एक मिनट में इससे पूछते हैं, भाई इधर कहाँ जा रहे हो? शाम हो गई है, हमारा काफिला धीरे धीरे चलता हुआ टंगसे की ओर। सुनो अगर ये 585 हुआ, देखिए किस तरीके से तो 600 ले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 610-620 ले होके पड़ेगा मनाली। अब आप ले जाओगे पहले, फिर वहां से आ जाओगे। कितना किलोमीटर फालतू है? 25-30 किलोमीटर आ जाएगा। नहीं नहीं क्यों है? उसके बाद हम लोग जाएंगे पेंगोंग झील, गलवान वैली पेंगोंग झील। नमस्कार दोस्तों, अब हम टंगसे पहुंच गए हैं। टंगसे में ये होटल हमने ले लिया है और आज रात को हम लोग यहाँ रुकेंगे। इसके बाद सुबह हम लोग पेंगोंग झील जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखिए आपको दिखाएं हम ये टंगसे में जो होटल हम लोग, देखिए तो यहाँ का डाइनिंग रूम बहुत दृश्य है। डाइनिंग हॉल काफी अच्छा बना रखा है। ये किचन है, किचन है, ये इनका किचन है। खाना तैयार हो रहा है भैया? खाना तैयार हो रहा है सर। खाना तैयार हो रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ से पेंगोंग झील कितना दूर है? यहाँ से पेंगोंग लेक आपको 34 किलोमीटर है सर। 34 किलोमीटर। हाँ। यानी आधा पौन घंटा और लगेगा मॉर्निंग में। अच्छा, तो बर्फ तो यहाँ गिरता होगा सर्दियों में काफी? तो बहुत गिरता है। किधर से हो सर आप? हम लोग दिल्ली से हैं। ये होटल के बाहर का पोर्शन है, आप देख लीजिए। सुबह यहाँ का व्यू आपको बहुत अच्छा दिखेगा। से मैं ये होटल पेंगोंग रेजिडेंसी। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और हमारे टूर का छठा दिन है। इस टाइम हम रुके हुए हैं टंगसे। ये पेंगोंग से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले पड़ता है होटल पेंगोंग रेजिडेंसी। और अभी सुबह के तकरीबन टाइम हो रहा है 8:30। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। नाश्ता कर रहे हैं हमारे सभी मित्र, नाश्ता चालू हो गया है और अभी नाश्ता करके हम निकलेंगे पेंगोंग के लिए। पेंगोंग से 1-1.5 घंटा वहाँ पे बिता करके फिर हम निकलेंगे मनाली वाले रूट पे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं पे स्टे करेंगे। यहाँ पे भी सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत है, ज़्यादा नहीं लेकिन अभी है। ये देखिए ये होटल का व्यू है, काफ़ी अच्छा
दिखने में है, लेकिन सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी इसमें। एक नॉर्मल स्टे की तरह ही था, देखने में ठीक ठाक है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह ही सबको नमस्कार। हम लोग तंगसे में ठहरे हुए हैं, रात को क्योंकि लेट हो गए थे तो यहाँ स्टे करना पड़ा। अब हम लोग पेंगोंग झील जाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों में है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और स्टे करते हैं तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, रूम भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ वादियाँ हैं, वादियों के बीच में ये होटल है। टंगसे यहाँ पर बहुत बड़ा बेस है आर्मी का, और आर्मी के बेस के बाद ये आउटसाइडर में ये होटल्स बने हुए हैं, रेजिडेंसीज बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ठहर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बने रहिए, आगे हम आपको पेंगोंग झील लेके चलेंगे।